हेल्थ से सबसे पहले हम समझते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब मान लो ये हमारी एक नॉर्मल आई है, ये क्या है नॉर्मल आई। नॉर्मल आई में लाइट रे आ रही है हमारे लेंस से, जो इमेज है वो हमारे रेटिना पर बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो गया, अब हाइपरमेट्रोपिया के केस में होगा क्या, इसमें जो इमेज रेटिना पे फॉर्म होनी चाहिए ना, वो इमेज अब कहाँ फॉर्म होगी, कहीं दूर फॉर्म होगी। कहाँ फॉर्म होगी, कहीं दूर फॉर्म होगी, क्योंकि इसको क्या बनना चाहिए रेटिना पर, अब ये पीछे आ गई, तो हमें क्या करना है, इसको आगे शिफ्ट करना है, इसको आगे शिफ्ट करना है। आगे शिफ्ट का मतलब हमें जो लेंस के थ्रू लाइट्स आ रही है उसको और ज्यादा कंजर्व करना है। अब कन्वर्जिंग लेंस कौन सी होती है भाई साहब आपके सामने, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। हमें इसको क्या करना है, दूर जा रही थी और पास लाना है, कंजर्व करना है। कंजर्व के लिए हमने लगा लिया कन्वर्जिंग लेंस, यानी हम कह सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गया, याद भी हो गया, डायग्राम भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं मायोपिया। अगर किसी को मायोपिया है तो हमें पता है इमेज रेटिना पर ना फॉर्म होकर थोड़ा पहले फॉर्म होगी, थोड़ा पहले। हमें क्या करना है, इसको दूर भेजना है, मतलब जो रे है उसको और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डाइवर्जिंग लेंस, जो डाइवर्ज कर रहा है चीजों को, यानी इसके लिए हम क्या लगा देंगे, अपना कॉनकेव लेंस लगा देंगे। यानी मायोपिया है तो कॉनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया है तो कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल बात समझ में आ गई, डायग्राम भी समझ में आ गया, और डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाना जरूर सीख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है।